सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर किसी ना किसी वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं। करीना को ये कतई पसंद नहीं था कि किसी आउटसाइडर को उनसे ज्यादा पब्लिसिटी मिले। 2001 में आई अब्बास मस्तान की फिल्म अजनबी तो आपको याद ही होगी। दरअसल इस फिल्म में करीना कपूर के अलावा बिपाशा बासु भी काम कर रही थी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही बिपाशा ने खूब चर्चाएं बटोर ली थी। इस फिल्म में बिपाशा के जोरदार रंग प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म की रिलीज से पहले ही चर्चाओं में ला दिया था। अखबार से लेकर मैगजीन तक हर जगह बस बिपाशा ही छाई हुई थी। यही वजह है कि करीना के लिए ये पचा पाना काफी मुश्किल था कि उनकी फिल्म में कोई और एक्ट्रेस उनसे ज्यादा नाम कमा रही है। करीना अक्सर बात बेबात बिपाशा को फिल्म के सेट पर बेइज्जत कर दिया करती थी, उनको लेकर हमेशा भला बुरा कहती रहती थी। एक दिन जब बिपाशा ने उनको जवाब दिया तो बदले में करीना ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस फिल्म के एक्टर बॉबी देओल जब बीच बचाव करने आए तो करीना ने उन्हें भी खूब सुनाया। हालांकि बाद में अपनी गलती के लिए उन्होंने बॉबी देओल से माफी मांग ली थी और फिल्म की शूटिंग पूरी की। इतनी लड़ाई के बावजूद फिल्म आखिरकार रिलीज हुई। ये फिल्म लोगों को पसंद भी आई और हिट भी रही, लेकिन इस फिल्म का फायदा करीना से ज्यादा बिपाशा को मिला। इस फिल्म के बाद करीना और बिपाशा ने फिर कभी एक दूसरे के साथ काम ना करने की कस्में खा ली। लेकिन फिल्म रेस शूटिंग के बीच जब सैफ अली खान के साथ बिपाशा का नाम जुड़ गया तो करीना एक बार फिर बेकाबू हो गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सैफ और बिपाशा को लेकर करीना से पूछा गया तो उन्होंने बिपाशा को काली बिल्ली कहकर सवाल टाल दिया। सैफ अली खान ने करीना के इस बयान को संभालते हुए बिपाशा से माफी मांगी। इसके बाद इन दोनों की दोस्ती भी करवाई। सैफ के कहने पर करीना और बिपाशा एक बार फिर दोस्त बन गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।